ये शहर है लॉस सैंटोस और हम लोग देख रहे हैं इस वक्त GTA 5 की कहानी। एक बहुत ही मनोरंजक शहर है और हम लोग इस वक्त फ्रैंकलिन के घर में। सो एनीवे गाइस, वेलकम बैक, आप सबका फिर से स्वागत है GTA 5 में। मैं बहुत ही लेट हो गया गेम प्ले करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसकी मॉम कहाँ पे है। फ्रैंकलिन की मॉम कहाँ पे हो? शी इज वन नैस्टी ओल्ड लेडी, हमेशा अपने बेटे को डांटती रहती है। और ठीक है दोस्तों, तो जैसा मैं बता रहा था कि मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मैडी, और मैं GTA 5 खेलने के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लेट हो गया। 2020 में खेल रहा हूँ यार, क्योंकि मेरे पास पहले PS4 ही नहीं था और GTA 5 जितना जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उतना तगड़ा PC नहीं था। एनीवे अभी अभी मैंने एक नाइस वाइट टैंक और ब्लैक जीन्स पहनी। ठीक है, गाड़ी निकलते हैं और देखते हैं यहाँ पे अगला मिशन क्या होगा। ये उन बड़े गेमों की तरह नहीं है जहाँ पे मुझे ज़्यादा आपको स्टोरी रिकैप करनी या कुछ करनी है या फिर क्या चल रहा है कहानी में बताना है। GTA 5 सबको पता और सबको पसंद है। फिर भी थोड़ा बहुत जो आदत पड़ी हुई है कमेंट्री की तो मैं बताता था कि कुछ मैंने पहले 2 मिशन इसमें कंप्लीट कर दिए और मुझे लगता है जो एस नाम का मार्कर है लोकेशन में मैप पे सिमियोन का, सिमियोन एक अरब है तो वहाँ पे चलते हैं। वो एक कार डीलर है और फ्रैंकलिन और लमार उसके मुस्टंड है, मतलब कि जब भी कोई क्रेडिट फैसिलिटी छोड़ देता है अपनी पुरानी गाड़ियों को क्रेडिट पे नहीं कर पाता तो वो लोग जाके सीधे सीधा गाड़ियों को उठा के लेके आते हैं। पिछली बार एक बाइक उठा के लेके आई थी, फिर लमार और फ्रैंकलिन में झगड़ा हो गया और लमार खुद वो बाइक अपने पास रख दिया तो अब लगता है कि सिमियन को ये बात पता नहीं, अगर पता चलेगी तो इन दोनों को जॉब से निकाल देगा। बेसिकली बाइक उसको देनी थी। ठीक है, तो ये एक मैप में अभी डायरेक्शन वाला जो कंसेप्ट था, पता नहीं सैन एंड्रियास और GTA 4 में भी आई थिंक वो हटा दिया गया है और डायरेक्शन की जगह मोबाइल पे या फिर मैप पे आप GPS को ट्राई कर सकते हो। सो दिस वेरी नाइस कि आप बहुत ही यू नो वक्त के साथ GTA भी चेंजेस आए हुए। तो ये एक पर्सनल व्हीकल है फ्रैंकलिन कर दो और मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी सिमियन के पास में और ये रहा उसका सर्विसिंग गड्ढा। नाइस मैन, ग्राफिक्स इस गेम के बहुत ही क्लीन है, ऐसा कोई फ्रिकिशली रियलिस्टिक नहीं है लेकिन बहुत ही नीट और मज़ा आ गया, कलरफुल और वाइब्रेंट और क्लीन। एक मिनट, यहाँ पे दरवाज़ा बंद है इसका। ठीक है, आगे से जाते हैं, पता है नॉर्मली बैक एंट्री करते हैं हम लोग, अभी इसने दरवाज़ा बंद कर रखा पीछे से। और यहाँ पे ओके, प्रीमियम डिलक्स मोटर स्पोर्ट्स कार डीलरशिप। You're a racist. What? What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait, boy. I am his mentor. I am so proud of you. अभी वो बहुत ही बड़ी 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 हाँक रहा है उस कस्टमर के सामने। हमेशा वो कस्टमर पता नहीं गाड़ी पसंद नहीं आई तो वो चालू हो जाता है कि यू आर रेसिस्ट, दैट्स व्हाई यू डोंट लाइक मी, आई एम आर अरब। तो बहुत ही मस्त कैरेक्टर है ये सेमियन। कैन गेट बैक फ्रॉम हिम इन द एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स, जस्ट गो एंड गेट इट। The house is on Hampstead off Eclipse. तो सेम यूजुअल कहानी है, लगता है कोई बंदा है। यू नो मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि मोटा सा बंदा इससे गाड़ी ले रहा होता है पीली वाली, तो वही बंदा है शायद। उसने शायद इंटरेस्ट या फिर कुछ यू नो क्रेडिट ढंग से पे नहीं किया। वो कस्टमर के सामने बोल रहा है कि ठीक है तो वो मेरा, मैं इसका मेंटर और गुड लक इन लॉ स्कूल। बेसिकली भाड़े का टट्टू है फ्रैंकलिन उसके लिए और अभी जाके उस मोटे से वापस कार लेके आनी है। गो टू द हाउस। ये जो राइट में येलो डॉट है वहां पे चलना है अपने को। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मेरी कार लेके जाऊं या फिर कोई और कार उठा के। चलो मेरी कार ही ठीक है, मतलब कि आई मीन जो फ्रैंकलिन को दी हुई है यूनिक कार। ऑलराइट बेबी, आराम से चलते हैं, कोई गाड़ी को यहाँ वो पटकेंगे नहीं क्योंकि अभी मिशन बहुत ही नॉर्मल चल रहा है। ओके, थोड़ा बहुत मैं अपने ड्राइविंग स्किल को भी सुधार दूंगा GTA 5 में। ओ ये क्या तो जैसा कि मैंने कहा कई कुछ ज़्यादा नहीं ठोकेंगे लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता, ये GTA 5 है, क्रेजी थिंग सपोज टू हैपन इन दिस गेम। और क्या टर्न मारा है, तो थोड़े स्क्रैचेस ऑलरेडी आ गए। Okay, Simeon got caught. Did you change your mind?
When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you. तो सिमियन को पता चल गया कि बाइक लमार ने ही रख ली थी. You'll get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief. तो फ्रैंकलिन का बॉस भड़का कि जो गाड़ी रिकवर करने के लिए भेजा था वो तुमने खुद ही रख ली. तो पहले ये गाड़ी उठा के लग गया और फिर तो सोचते हैं कि तुम्हारे जॉब का क्या करना है. नाइस. और लगता है अभी जो मार्कर नजदीक में आ रहा है शायद यहीं कहीं पे वो घर है जहां से गाड़ी को उठाना है. ओके तो यही है, यहाँ पे वो मार्कर है राइट साइड में जो घर है वहीं पे. फाइंड अ वे इनटू द हाउस. ठीक है तो लगता है चुपके से जाना पड़ेगा घर के अंदर. ये जो सामने गेट है वहीं से चलते ऊपर. ओके L3 टू एंटर द स्टेल्थ मोड. स्टेल्थ मोड में चलते हैं, L3 दबा के. और ओके बहुत ही आराम से चलना है और जो बगीचे का माली है उसको नॉकआउट करना है. While holding L to press circle, ठीक है तो हाथ है या हथौड़ा, सिर्फ एक झटका, सिर्फ छुआ उसको और वो बेहोश हो गया. ओके नॉर्मल मोड में आते हैं और देखते हैं यही पे गैराज, यहाँ से कार लेनी है और यहाँ से नहीं खुल रहा. नाइस यार, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ है इस घर में. यहाँ से देखते हैं ये दरवाजा खुलता है क्या. राइट एरो की को दबाइए, देखते हैं. नहीं ये अभी भी नहीं है. इंटरेक्शन करने के लिए राइट एरो की है. मतलब कई बार गेम्स आपको हिंट्स नहीं देते, शुरू में आपको एक ट्यूटोरियल हो जाता है उसके बाद में ये बंद. ओके टू रीच द ओपन विंडो क्लाइम इनटू द कार एंड देन आउट ऑफ द रूफ. ओके नाइस. इस कार पे चढ़ के वो जो खुली खिड़की दिख रही है आप राइट में ऊपर, वहाँ चलते हैं. पता नहीं ये सिमियन क्या क्या करवाएगा फ्रैंकलिन से. वेट अ सेकंड. What? Try to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Okay, लगता है कि दो भाई बहनों का झगड़ा चल रहा है और मुझे आराम से जाना. दो राइट साइड में दोनों डॉट्स हैं, ठीक है. ये बंदा बहुत ही भद्दी बातें कर रहा है अपनी बहन के लिए, इसको जाके थोड़ा पीटते हैं. अंदर बड़ा बड़ा गेम खेल रहा है. Wait a second. Alright, तो फैमिली वॉज अलर्टेड. ठीक है फिर से ट्राई करते हैं. तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आया हूँ घर पे. ठीक है लेट्स डू दिस वन मोर टाइम. Alright. लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सारे सिनेरियोस करके देखते हैं कि अभी ठीक है भाई तो हो गया, अभी इस तरफ बहन के पास चल के देखते हैं वो क्या करती है. फ्रैंकलिन का मुंह के एक्सप्रेशन देखिए यार, चुप हो जा चुप हो जा. ओके सारे सिनेरियो करने के चक्कर में मैं अपनी गेम की यू नो स्टैटिस्टिक की बैंड बजा रहा हूं. शायद ये मिशन बहुत ही क्लीन नीट करना था. ठीक है नीचे चलते हैं. Oh my god, seriously? My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Like more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. Thank you, coach. Wait a second. Shayad ye ghar ke malik aur malkin hai. A real pro, Mrs. DeSantis. No. A real pro. Malkin to hai lekin lagta hai koi teacher hai uske saath. Loosen up those hips. Okay, like this?
यहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। Wait a second. वो जो ट्रेनर था वो चिल्लाता कि ही इज ब्लैक। आई डोंट नो मैन कि ये कितना क्रेजी गेम बनाया और कितना मतलब लोगों को इस गेम से प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर ब्लैक लोगों से, ब्लैक लोगों को। What do you mean by he's just a black? I mean, क्या वो थीफ है? Of course he's invading the house, लेकिन ठीक है। तो ये गेम काफी रेशियल रेसिस्ट भी है। वैसे हम सारे इंडियंस रेसिस्ट होते हैं यार, हमारे भी चलता है ना, बहुत ही फ्रैंकली लेते हैं हम रेसिज्म को कि यार तू काला है तू गोरा है। और ये क्या, ठीक है तो मुझे लगता है कि स्टेल्थ मोड में ही चलना है। मैंने बहुत ज्यादा इस मिशन को ऑलरेडी ठीक है तो सारे सिनेरियोज मुझे लगता है मैंने कवर कर दिया कि कैसे होगा अगर मैं अलर्ट करता हूँ सबको। मैं फन के लिए कर रहा था बेसिकली। अभी मैं स्टेल्थ मोड में ही जाऊंगा और सिर्फ वो दरवाजा देखूंगा जहां से मैं गैराज में एंटर कर पाऊं और कार लेके भागूंगा। नाइस एंड इजी। You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Now you're a great. ठीक है तो वहां पे वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं निकलता हूँ। Okay, like this? Yeah, पता नहीं कौन बेचारा मालिक है इस घर का। And follow through. Perfect. Oh, वो रहा गैरेज का दरवाजा, निकलो और गाड़ी को निकालो यहाँ से। नाइस एंड ईजी यार, बहुत ही आसान था ये तो, शुरू में ही कर देता तो। मालिक का बंदोबस्त हो चुका और मुझे सिर्फ गाड़ी को लेके जाना नीचे यहाँ से। ऑलराइट आराम से लेके जाऊंगा, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं रह दूंगा। सिमियन को कॉल लगा रहा है फ्रैंकलिन, ठीक है। Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. That's a 9mm semi-automatic. Wait a second. Pushed against your skull. Don't look around. I love GTA, man. Take me where you're going. दो बड़े कैरेक्टर को मिलाने का बहुत ही खतरनाक तरीका था। तो वो घर माइकल का था, ठीक है। ये माइकल वही बंदा है जो शुरू में हमने देखा था कि 9 years पहले इसने एक बहुत बड़े जेल को लूटा, सॉरी बैंक को लूटा था, और फिर सारा पैसा अपने पास रख के बाद एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा था। बेसिकली उसको अपना नालायक बेटा पसंद नहीं है, नालायक बेटी पसंद नहीं है, वाइफ से परेशान है। तो जो मोटा बंदा है वो इस माइकल का बंदा बेटा था। And I'll explain how the world really works. लगता है कि फ्रैंकलिन ने गलत आदमी से पंगा लिया। Let's see अभी क्या होगा स्टोरी में। By the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian. We'll work. Yaterian, तो ये सैमियन का पूरा नाम है। सिमियन का, सॉरी। बेसिकली वो अरब है तो माइकल पूरा गनपट्टी पे सॉरी कनपट्टी पे गन रखे हुए, नॉट गनपट्टी पे गन। थोड़ा सा स्लिप टंग हो जाती यार, लेकिन ठीक है। जो लेफ्ट में वो है डीलरशिप की जगह। वेट व्हाट, फकिंग विंडो एंड फास्ट आई विल पुट टू राउंड्स इन द बैक ऑफ योर स्कल। माइकल बोल रहा है कि दरवाजे को तोड़ के गाड़ी को अंदर डालो डीलरशिप के यहाँ पे। और पता है फ्रैंकलिन बोल रहा है कि भाड़ में जाए मेरी जिंदगी यार, पता नहीं अब क्या क्या करवाएगा। अगर ऐसा किया तो सिमियन फ्रैंकलिन के ऊपर नाराज हो जाएगा उसका बॉस। बट लेट्स ठीक है, लेट्स डू दिस। ओह शिट, शिट, नो फ्रैंकलिन, व्हाट द फक आर यू डूइंग? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! All right, ma'am. ठीक है. L2 to lock on the target. Okay, square to dodge and circle to counter. तो वापस माइकल के कैरेक्टर हम लोग आ गए. Oh, nice.
fraudster punk. Michael एक बहुत ही नाराज रिटायर्ड गैंगस्टर है. I'll get my. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist. I'll tell you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. तो बोल रहे कि मेरे बेटे को तुम $5,000 से महीना के लिए कार रेंट में दिए थे. भाई साहब, ये तुम्हारी कार उतनी वर्थ है क्या? They have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. सिमियन ने बेचारे ने बहुत मार खाई. Don't make me have to come. बहुत फ्रॉडगिरी करता है अपने कस्टमर्स के साथ ये. तो माइकल ने अच्छे खासा धोया उसको. पता है GTA 5 की बेस्ट थिंग क्या है? डायनेमिकली आप कैरेक्टर को हमेशा चेंज करते रहते हो. ओके ठीक है, द ऑटो सेव स्लॉट ऑलरेडी कंटेन्स. ठीक है, मैं इस पर ओवरराइड नहीं करूँगा, किसी और स्लॉट में देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फिर से वही चीज़ पूछ रहा है. नहीं ठीक है, ऑटो सेव को ऑन रखते हैं यार, ताकि कहानी की प्रोग्रेस ऐसे ही चलती रहे. ठीक है, मिशन पास, कॉम्प्लिकेशंस ठीक ठाक. मैंने 84% मैंने इसको क्रॉस कर दिया, तो यानी कि अच्छा खासा मैंने मिशन को क्लियर किया. ओके, स्विच बिटवीन माइकल एंड फ्रैंकलिन बाय यूजिंग द व्हाट, बॉटम एरो की. ठीक है ओके, मैं अंदर जाके सोच रहा हूँ कि वो जो पीली कार है उसको लेके जाऊँ वापस, देखते कर पाऊंगा कि, या फिर कोई बाहर की कार ले लूँ. ओके, एम्यूनेशन का नकल डस्टर्स नाउ इन स्टॉक विद 9 यूनिक अपग्रेड्स टू ऑप्शंस. नाउ यू कैन ओन द tricked out brass knuckles you have always dreamed of. तो ammunition में एक brass knuckle, यानी कि जो इस हमारी देसी लैंग्वेज में फाइटर बोलते हैं उसको, हाथ में पहनने के लिए, तो वो अभी अनलॉक हो चुका है. यानी कि ammunition का दुकान अनलॉक हो चुका, काफ़ी सारी चीज़ें अभी अनलॉक हुई है. जो गन का सिंबल है वो ammunition का है. यहाँ पर मुझे impounded vehicle मिलेगा, यानी कि मेरा जो vehicle authority ने लिया है, जैसे यहाँ पे बोलते हैं पुलिस उठा के लेके गई गाड़ी को, तो वो लेके आना है. ठीक है, इसकी जो वाइफ है उसका मैसेज आया. माइकल को पता भी है कि नहीं, पता नहीं वो कि वो क्या कर रही है. माइकल, यू बॉट दैट कोट बट नेवर यूज इट. माई ग्रिप एंड बॉल कंट्रोल हैज डेफिनेटली इम्प्रूव एंड कोच इज वी हार्ड ऑन मी. व्हाट, माइकल की लाइफ बहुत ही fucked up है. मैं एक नालायक बेटा जो पूरा दिन भर गेम खेलता रहता, और उसने ठीक है, वेट अ सेकंड, सोच रहा हूँ कि वापस, नहीं ठीक है, जो इम्पाउंडेड व्हीकल वाला चीज है वो करते हैं. जहाँ पे इसकी गाड़ी को रखा गया उसको लेके आते हैं. ठीक है, तो वो यानी कि पीली गाड़ी को तो मैंने ही निकल पाया, लेकिन मेरे सामने एक मस्त लैम्बोर्गिनी गाड़ी थी, उसको लेके चलते हैं इम्पाउंडेड व्हीकल की तरफ, और अपना व्हीकल को वापस लेके आते हैं अथॉरिटी से. ओह शिट, स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, पूरे खंबे को उड़ा दिया मैंने. गॉड डैम इट, कुछ लोगों को भी मार दिया. नाइस, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वही हुई. पुलिस मेरे पीछे पड़े ना, मैं इतना इंटेलिजेंटली गेम प्ले को करता हूँ कि मेरे पास, मैं चाहता था आपको दिखाना कि इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें कवर करूँ, जैसे कि अभी पुलिस व्हीकल चेस. तो अगर पुलिस व्हीकल ऐसे आए आपको चेस करते हुए, बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप उनसे दूर भागो और कहीं पर
जाके छुप जाओ, ठीक है, या उनकी नज़रों से दूर हो जाओ। जैसे कि ये वाला एरिया, अगर मैं ब्रिज के नीचे खड़ा रहता हूँ, देखा कैसे हट रहा है धीरे धीरे पुलिस का स्टार, ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है। ठीक है, नाइसली, यही थोड़ा देर अंदर चलते हैं ताकि उनको पूरी तरीके से लूज कर पाऊँ विदाउट गोइंग सो मच डिस्टेंस, या फिर आप सीधे सीधे डायरेक्टर मोड में जाके चीट कोड भी डाल सकते हो और पुलिस की वांटेड लेवल लूज कर सकते हो। मैं चीट्स को ज़्यादा अभी यूज़ नहीं करूँगा, मुझे पूरा चीटे का ओरिजिनल फील है जो उसको मज़ा लेना है, और उसके बाद मैं चीट को यूज़ करूँगा और जो एक्स्ट्रा मज़ा लेने के लिए। यू नो वाइस सिटी की बात याद आएगी जहाँ पे हम लोग कुछ बटन दबा के सीधा टैंक को लेके आते थे रस्ते पे। और चाहे फिर कितने भी मोस्ट वांटेड लेवल्स होनी दो पुलिस की, कितने भी वांटेड लेवल्स। शिट मैन, व्हाट हेल, इसका जो एआई है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस गेम में डेवलप किया है ट्रैफिकिंग के लिए, बहुत ही खतरनाक है। आप न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं भसीड़ मार ही दोगे, यानी कि भिड़ंत। मैं थोड़ा मारवाड़ी भी चला गया। भसीड़, ऑलराइट। तो ये वो जगह जहाँ पे माइकल की गाड़ी को रखा हुआ है, अथॉरिटी ने $250 पे करने और यहाँ से गाड़ी को निकालना है। सो वो कैसे करूँगा मैं? ओके, राइट एरो की दबा के, बहुत ही आसान। ओह नाइस मैन, माइकल के पास खुद की अपनी फरारी कार है, बढ़िया। Holy shit! मेरे को एक आइडिया सूझ रहा है कि मैं बीच में पार्क करता हूँ गाड़ी को और कैरेक्टर को स्विच कर दें। ठीक है, कैरेक्टर को स्विच करके मैं देखता हूँ कि फ्रैंकलिन के लाइफ में अभी क्या हो रहा है एट द सेम मोमेंट। सो बहुत ही अच्छा डायनामिक चीजें दी, अगर मल्टीपल कैरेक्टर पहली बार GTA में इंट्रोड्यूस किए हैं तो डिफरेंट लाइफ देख सकते हैं। ठीक है, फ्रैंकलिन की तरफ चलते, देखते हैं उधर क्या हो रहा है, और शायद मैं जब वापस आऊँगा माइकल की तरफ, शायद माइकल यही मिलेगा गाड़ी के साथ, आई डोंट नो। यार ये बहुत ज़ूम ऊपर से नीचे आने वाला इफेक्ट जो है बहुत मस्त है। Man, it was partly all that bullshit you pulled, and partly the repo's old man making me crash the car into the dealership. You the crazy ass motherfucker in this partnership. You better spend them while you got them. Yeah, if you say so. Alright, तो उसने लेमर को बताया कि भाई हम दोनों का जॉब चला गया, ठीक है। मैंने जो भी हरकत की है, एक बंदे ने गन पे गन रख दी थी कनपट्टी पे, तो मुझे लगता है साइमन ने इन दोनों को फायर कर दिया अभी। नाइस। तो अब मुझे जाना है क्वेश्चन मार्क की तरफ, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिटी में जो जो स्ट्रेंजर्स या फिर कोई फ्रिक्स उनको वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब अनोखे आदमी नहीं या अनोखे नहीं, अब क्या बोलूँ मैं उसको, अज्ञात व्यक्तियों की निशानियाँ है वो। स्ट्रेंजर की बेसिकली सिंबल है, वहाँ पे जाओगे तो आपको शायद नए मिशन मिलेंगे, तो वहाँ पे चलते हैं। Sorry about that, sweetie. तो ये वो स्ट्रेंजर जो मेरे घर के पास में थी। Okay, इसका नाम टोनिया है। Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB. ये पूरी क्रैक स्मोकिंग बंदी लगती है। You know what I'm saying? The business, everything, and you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you तो टोनिया का पति है वो शायद फ्रैंकलिन का कजिन है, और वो कहीं पे तो नशेड़ी कुछ नशे में धुत है, और उसका काम वो करवाना चाहती है फ्रैंकलिन के साथ, क्योंकि वो उसका भाई कजिन भाई है शायद, और वो चाहते कि अगर तुमने उसका काम नहीं किया तो हम लोगों को मतलब पैसा नहीं मिलेगा, हमारा घर चला जाएगा। GTA 5 के मिशन अभी तो बहुत ही सिंपल लेवल पे है, कॉम्प्लेक्स नहीं है इतने।
We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. ठीक है तो यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या मिशन है। इतने डायलॉग से मुझे ये पता चला था कि कार को टो करना है, यानी कि अबैंडन व्हीकल्स जो होते हैं, जो व्हीकल्स को कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनको इंपाउंड करना है इस ट्रक के सहारे। तो बहुत ही भद्दा काम है। इस ट्रक की हालत देखिए, बेचारा फ्रैंकलिन को क्या क्या करना पड़ता है अपने दोस्तों के लिए, अपने बॉस के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए। All right, तो उनको मिशन की सूचना मिल चुकी है रेडियो पे। It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass. तो लगता है कोई 10 दिन से पुरानी कार पड़ी है, उसको लेके आना है। His loss, your gain, sugar. Sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. Black लोगों को बातें करने का जो अंदाज है। Damn, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। Of course, हम अगर उसकी मिमिक्री करेंगे तो वो लोग भड़क जाएंगे कि भाई क्या कर रहा है, you are racist. But then again, all Indians are racist. हमारे रेसिज्म इतना फ्रैंक तरीके में लिया जाता है कि बहुत मजाकिया तरीके में लिया जाता है और कभी कभी दंगे भी भड़क जाते हैं। तो okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. All right, तो ये है वो व्हीकल जो गंदी हालत में पड़ा है, इसको लेके जाना है। तो इसको ट्रक को इसके सामने अलाइन करेंगे और फिर हुक डाल के इसको लेके जाएंगे। अब जो जो व्यूवर सब GTA 5 को देख रहे हैं या फिर जिनको पता नहीं GTA 5 क्या है, आप पता नहीं दुनिया के किस कोने में रहते हो, लेकिन ये मिशंस देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन करने में उतनी कंट्रोल्स और हैंड और माइंड कोऑर्डिनेशन लगता है। अब ये हुक कैसे नीचे आएगा? ठीक है, कार को फोकस में रखो और शायद फिर राइट एरो किसी या लेफ्ट एरो किसी नीचे जाएगा। ये नहीं, आई थिंक ये कंट्रोलर से जाएगा, जो मेरा लेफ्ट का कंट्रोलर जो बटन है राउंड बटन डायरेक्शन का, उससे जाएगा। ठीक है, एक बार करते फिर से। अब मुझे अभी ये क्या लवार भी मैसेज कर रहा है फालतू के। ऑल राइट, करना कैसे ये? मैं कोशिश कर रहा हूँ बटन ट्राई करने की, लेकिन सॉरी गाइस, मैं भूल गया कि ये करना कैसे है। ठीक है, ओह फाइनली वी आर इन बेबी। तो थोड़ा सा नजदीक लेके जाते गाड़ी ट्रक को और उसके बाद दिस वाज नॉट हाउ आई सॉ माय डे गो डायरेक्शन की से उसको लेके। ओह शिट, गॉड डैम इट, एक खटारा व्हीकल को लेके जाते जब दूसरी गाड़ियों को खटारा कर रहा हूँ। आराम से लेके चलते। So I ain't seen you around the hood much. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Ew, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dope head. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. ठीक है, तो नजदीक आ गए जहाँ पे इसको रखना है। Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Okay, okay, यही पे रखना है इस गाड़ी को और निकल दें। बहुत ही
भद्दा सा मिशन था क्योंकि पुराने ट्रक को चलाना पड़ा। वेट अ सेकंड, अब क्या करना है इसको? ओके, तो राइट एरो किसे ड्रॉप करना है इसको, ठीक है? I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. तो ये मेरे घर के नजदीक में ही रहेगी ये वाली भी, और ये शायद नेक्स्ट मिशंस देगी मुझे एरो की से, सॉरी क्वेश्चन मार्क से। ये ट्रक को छोड़ दे और कोई अच्छी सी गाड़ी पकड़ के निकलते यहाँ से। ऑलराइट, मुझे लगता है एक मस्टैंग मुझे सामने दिख रही है, या फिर शायद वो भी हो सकती है, क्या नाम है, डॉज। पता है इस गेम में रियल लाइफ मॉडल्स नहीं है कार के, लेकिन उनके नाम नहीं लिए। ओह शिट, ये भाग गई। अब दूसरी गाड़ी कौन सी ले सकता हूँ? बकवास है ये। Wait a second. Nice. एक वाइट स्ट्रिप डॉज मिल गई। Wait a second, ये तो कोई गैंगस्टर है। भागो यहाँ से। Shit, 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 shit. खतर रखता। You got lucky, homie. Alright, तुम अपने घर की तरफ चलते हैं। देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। God damn it, तोड़ दिया। Oh shit. लॉस सेंटोस में सब नाना भटक रहे हैं भाई, सबके दिमाग घूमे हुए हैं। यहाँ से तो ये जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं आपको, धीरे धीरे गेम में बहुत सारे एक्टिविटीज अनलॉक हो जाएगी जहाँ पे आप दूसरे मिशंस कर सकते हैं। लेकिन अभी घर पे चलते हैं और मैं बैक टू शायद माइकल के कैरेक्टर में जाऊँगा वापस, देखते हैं उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। अभी थोड़ा गेम प्ले को लंबा करेंगे इस बार ताकि GTA को मैक्सिमम कवर कर पाओ। इसको कार में, सॉरी गैराज में पार करते हैं, देखते हैं। ओह शिट, गॉड डैम इट। पता है GTA की फन चीज़ क्या है, जो करना है करो इसमें और डोंट केयर अबाउट इट। Let's go for the Franklin man. Sorry, Michael के पास चलते, देखते उसके लाइफ में क्या हो रहा है। तो देखा कैसे zoom होता है एरिया, वापस focus shift होता है और वापस ऊपर से नीचे आते हैं बंदे की तरफ। So, बहुत ही amazing था ये। Wait a second. Oh, nice. तो Franklin अपने पूरे, sorry, Michael अपने पूरे suit boot में नज़ारों के मज़े ले रहा है ऊपर अपनी बहुत ही अच्छी खासी महंगी कार में। मुझे लगा ये माइकल के पास वहीं पे जाएगा जहाँ पे इसने अपनी काली गाड़ी के साथ मैंने इसको छोड़ा था, बट ठीक है मैन, क्योंकि ऑफकोर्स इन बिटवीन उसने कार चेंज की होगी, घूमने आया होगा। तो ये एक्सपेक्ट गेम का मुझे बहुत ही पसंद आया जहाँ पे अगर आप कैरेक्टर को चेंज करते हो तो सेम लोकेशन पे मैं आपको नहीं मिलेगा जैसे कि रियल लाइफ में होता है, वो कहीं ना कहीं बिजी रहेंगे। सो बहुत ही मास्टरफुल तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है छोटी मोटी चीज़ों को। ठीक है, तो माइकल के घर पे चलते हैं। अभी ये कोई स्पोर्ट्स कार तो नहीं है लेकिन ठीक है, लग्जरी कार जरूर है। अब तक मुझे GTA 5 के मैंने कंट्रोल्स कार के बहुत पसंद आए, एकदम स्मूथ और ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ में कार चला रहे हो। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है कि वो लोग जो व्हील मशीन मिलता है कंट्रोल उससे भी चलाते गेम को, तो मज़ा आ गया। नॉर्मल चलाने से भी बहुत मज़ा फील होता है, एक बहुत ही अच्छा खासा सिमुलेशन है गाड़ियों का। ओ, ये लगता है कोई महंगी महंगी रेजिडेंस एरिया है जहां पे लॉस सैंटोस का काफी हाई एंड प्राइम हाई फाई एरिया लग रहा है। वेट अ सेकंड, मेरी नजर अभी एक बहुत ही अच्छी कार पे पड़ी है, लेकिन देखते हैं उसको चुरा पाते कि नहीं। ये वाली कार की मैं बात कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि दरवाजा अपने आप खुल जाएगा गेट का,
जैसे मैं कार को आगे बढ़ाऊंगा। और नहीं, यानी कि दरवाजा नहीं खुल रहा अभी भी। शिट मैन, तो मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। इस गाड़ी को मैं जहां से पॉसिबल होगा वहां से लेके जाऊंगा बाहर। ठीक है, देखते हैं। शॉर्टकट हमारे पास बहुत है। ओह शिट मैन, डैम डैम डैम, डुबी डुबी के एक रफ सुपर से था वो, बहुत ही अच्छे से डैम बोलता था। डैम, ओह बहुत ही, बस कार की पूरी बैंड बजा दी और दूसरे कार की भी। देखते हैं कोई और कार लेता हूँ यहाँ से। या तो एक ग्रीन कार लूँ या फिर ये ब्लैक कार लेता हूँ। Come on, bro. Time to move. Wait a second, इस व्हाइट कार को लेता हूँ। बेसिकली दोनों सेम मॉडल है लेकिन वाइट मेरा फेवरेट है, इसको लेके निकलते हैं। नाइस, तो इस बार आवाज़ भी नहीं आया ज़्यादा जो अलर्ट से अलर्ट गाड़ी का था। और इसकी एक तो प्यारी सी आवाज़ है इस कार की। नाइस, बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है गाड़ी, एकदम मस्त है यार। थोड़ा सा यू नो लोगों को डरा के चलते हैं गाड़ी। ठीक है, तो माइकल का घर नज़दीक में ही है। आओ, मैंने पीछे छोड़ दिया, पीछे चलो। चाहे दिन हो या रात हो या संध्या काल हो, GTA 5 में नज़ारे बहुत ही मस्त है और ग्राफिक्स अमेजिंग मैन। जैसे मैंने बताया अभी, जैसे नाइट टाइम चल रहा है, इट लुक्स फैंटास्टिक मैन। 2014-15 के हिसाब से गेम सच में, ये गेम सच में टेस्ट ऑफ टाइम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पास किया है। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं मैं गेम को लॉन्च हुए। ठीक है, गैराज में रखते कार को। ऑलराइट, नाइस एंड इजी। चलो ऊपर जाके थोड़ा आराम करते हैं। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड टू नेक्स्ट नेक्स्ट डे। व्हाई द फक नॉट, ही इज नॉट स्टेइंग द नाइट, ही इज अ बम। आई डोंट इवन नो व्हाई यू आर विद हिम, ही इज अ बम, ही इज अ बम, आई डोंट केयर। मां बेटी की लड़ाई हो रही है बेटी के बॉयफ्रेंड के बारे में। फ्रैंकलिन बोल सॉरी माइकल बोलता है कि फक दिस शिट, कान में हेडफोन लगाओ, एक मस्त सा गॉगल चढ़ाओ, सिगार मुंह में। ठीक है, गाने भी चला दिए और एक बेहतरीन स्कॉच का पैग हाथ में लेके मजा रहे। नाइस, जैसे कि मैंने बताया माइकल एक बहुत ही एंग्री रिटायर्ड गैंगस्टर है। ही डजंट गिव अ शिट अबाउट हिज लाइफ। वो पहले ही बता चुका है कि कैसे उसकी लाइफ खराब हो चुकी है ऑलरेडी। पैसा है लेकिन सुकून नहीं, यानी कि पुरानी गैंगस्टर लाइफ को मिस कर रहा है वो अपने। फ्रैंकलिन उसको मिलने आया है। व्हाट डू यू वांट? मैन, आई कम बाय फॉर दैट ड्रिंक यू ऑफर्ड, दैट्स ऑल। I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. Michael, जब वो कार को चुरा रहा था तब उसको बोला था कि मैं किसी दिन तुमको बियर पीते पीते दुनिया के रूल समझाऊंगा। You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. बेसिकली फ्रैंकलिन जॉब नया जॉब लेने के लिए आया है। पुराने जॉब से तो वो फायर हो चुका है। स्टैंड एट अ फकिंग सनसेट। यू नो, आई बीन इन दिस गेम फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स एंड आई गॉट आउट अलाइव। दैट मेक्स मी द राइट एज।
You look like a good kid. But if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. तो बहुत ही खतरनाक एडवाइस दी कि या तो तुम गैंगस्टर बन सकते हो या फिर पढ़ाई लिखाई करो और फिर उसके साथ लोगों को लूटो. कैपिटलिज्म बेबी. Was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking. और माइकल के कैपिटलिज्म एडम के आइडिया के साथ मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं. Tomorrow we'll try a training montage. Capitalism is cruel. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that. I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. We're taking my wife's car. Okay. इसके बेटे का कॉल आ रहा है, जिमी का. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad, shit! I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane! All right, I'm coming for my boat. All righty then. All right, तो अभी भी हुआ ये है कि उसके नालायक बेटे ने उसकी एक बोट को सेल करने की कोशिश की और जो विक्रेता थे उन लोगों ने बोट के साथ उसका भी अपहरण कर दिया. तो माइकल अभी बहुत गुस्से में और शायद अपने बेटे और बोट को रेस्क्यू कराना चाह रहे हैं. बेसिकली उसके बेटे को बोला कि मैं बोट के लिए आ रहा हूँ. बहुत ही नालायक बेटा माइकल का. तो मस्त गिरा यार फ्रैंकलिन. ठीक है, ढंग से बैठो. चलो यहाँ से. Lesson number one. Don't ever have kids. Hey man, look. If I had kids, I don't think no parenting issues would arise over who had boat privileges and who don't. Shit, motherfuckers would be lucky to sit in a bathtub. Shit, things that desperate, huh? Oh, but, you know, shit, I was making a point. Mythologizing self-deprecation. You know how much this car costs? Mythologizing self-deprecation. I know it well. Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper-wearing motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. इन लोगों का कन्वर्सेशन सुनने में बहुत ही फन है. GTA 5 को ये चीज तो मैं दे दूंगा कि कैरेक्टर्स ना कन्वर्सेशन जो बैक एंड फोर्थ है, इट्स अमेजिंग मैन. बहुत ही फनी कन्वर्सेशन होते हैं इनके बीच में और लाइफ के कुछ अच्छे लेसन भी हैं. जैसे कि बेटे पैदा करो तो नालायक मत करो. और ये रही उसकी बोट. God damn it, कोई उसको लेके जा रहा है. और उस बोट के साथ उसके बेटे को भी लेके जा रहे हैं. ठीक है, लगता है कि उसको चेस करना है. Let's do this. Hey, what we about to do? I'm gonna get you close, and you're gonna go board that thing. All right, man. Shit. Fuck it. Let's do this. All right, I got a piece in the glove box. They give you shit, I'll take them out. All that's cool, man. You shooting with one hand and driving with the other. But my motherfucking concern is I might miss the jump and fall in fucking traffic. You said you wanted to learn from the. All right. Franklin उसके ऊपर कूद गया. Oh shit! पूरी तबाही मचाते जा रही है बोट. This is gonna kill me. Come on. God damn it, वो ऊपर से गोले चला रहा है, मेरी गाड़ी को लग गई है शायद. और उसको फेंक दिया और नीचे. Oh shit! God damn it! He
He's a गाड़ी के नीचे आ गया। माइकल बोल रहा है कि मेरा बेटा एक यूज़लेस शिट है, लेकिन दैट्स माय यूज़लेस शिट। ऑलराइट, तो लगता है कि कोई बंदा फ्रैंकलिन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। मुझे नजदीक में जाना है, L1 को दबा के उसको शूट करना है R1 से। ठीक है, देखते हैं, जल्दी जाना पड़ेगा यार। वो लगता है फ्रैंकलिन को नीचे डाल देगा। और ये ट्रक कहाँ से आगे बीच में? ऑलराइट, ठीक है ठीक है ठीक, इतना भी क्रेजी इंस्टेंट नहीं था। ओह शिट, फ्रैंकलिन को नीचे फेंक दिया। तो मिशन फेल हो गया, फिर से ट्राई करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन को टाइम पे बचाना है, रीट्राई। ओह, देयर 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 इट इज, दैट्स माय बोट। योर बोट्स इन अ फकिंग हरी मैन। या वेल, वी विल कैच हिम। कैसे क्रेजी तरीके से दौड़ा रहे ट्रक को। ठीक है, तो फ्रैंकलिन को कार के ऊपर चढ़ा दे और फिर से उसको जंप करवाएंगे वो बोट के ऊपर। जाओ कूदो फ्रैंकलिन। और ठीक है, नाइस, फिर से वही। ओह शिट, ऑलमोस्ट कार मेरे ऊपर आ जाती। मेरे को वापस गाड़ी को गोली लग गई, यानी कि धुआं आ रहा है। और ये रहा बॉडी काउंट, एक तो मर गया। ठीक है, तो अभी एक और चाहिए। एक बंदे को तो फ्रैंकलिन ने फेंक दिया। एक और शूट तो थी। ऑलराइट, सही पोजीशन में आके फिर उसको शूट करना है, इसके पहले कि वो फ्रैंकलिन को फिर से डाल दे। God damn it, जल्दी जल्दी। लग गए, इसको गोली लग गई। नाइस, इस बार फ्रैंकलिन को बचा लिया हमने। ऑलराइट, नाउ लुक फॉर माय सन। गेट And it's a long story, bro. ये रहा उसका बेटा। और ये क्या? Kid, watch out for the boom. Hold on. थोड़ी सी बोट टर्न हुई और अब ठीक। और फ्रैंकलिन को भी नीचे डाल रहे कोई। Shit, man. पहले बेटे को बचाते। फ्रैंकलिन को भी कोई बंदा पीट रहा है। और माइकल का बंदा माइकल का बेटा ऊपर लटक रहा है। और ये और तेरी गाड़ी के नीचे कौन आ गया? लगता है एक और गुंडा आ गया। ओह मैन, इसकी बॉडी। ऑलराइट, तो फिर से थोड़ा एक्सेलरेटर को दबा दे और बेटे और फ्रैंकलिन दोनों को बचाते। लेट्स डू दिस। एक ऊपर से बंदा उसको हाथों को मार रहा था कि गिर जाए। मुझे स्टेडी रखना है। ठीक है, मोटा आ गया, मोटे को अंदर ले लिया। अभी फ्रैंकलिन को लेना है। ठीक है, बेटा अंदर पे बैठ के रो रहा है। ओ डैड, ओ डैड। माइकल बोल रहा है, चुप साले, तूने मेरी गाड़ी। माइकल के फैमिली का कलंक है वो। ऑलराइट, तो लगता है फ्रैंकलिन भी कूद गया। और ये आवाज कहां से आ रही? गाड़ी खराब होगी। Shit, man, बोट को लेके चले जा चुके और मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैंने गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही है भाई। Hey, at least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. If you drive us there, we can get the ride fixed.
ठीक है तो लॉस सेंटोस कस्टम पे जाना है और गाड़ी को ठीक कराना है। God damn it, man. माइकल ने अपनी बोट लूज कर दी लेकिन उसको बेटा मिल गया लेकिन जो नालायक बेटा। Stop doing that. Listen, I fucked up, okay? I'm not going to lie. That was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died and all you give a shit about is this fucking boat. No, it's not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. All right, तो मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रहा है, डैड ये तुम्हारी गलती है। बहुत ही लुनेटिक सन है इसका। इंडिया में होता तो इसको पिछवाड़े पे चप्पल पड़ पड़ के ठीक हो जाता अब तक। All you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. वो मोटा बंदा बेसिकली फ्रैंकलिन को होम इन्वेटर बोलता है क्योंकि फ्रैंकलिन वही करने वाला था। बट इट्स फनी मैन। Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs by the airport. पता है हंसने की अजीब आवाज मेरे से तभी निकलती है जब मैं सच में हंसता हूँ। Thanks, man. और GTA 5 man, सच में बहुत वियर्ड और फनी गेम है। We ain't gonna find it. Dude, it's gone. I'm in the car. Man, I can ask around. Don't worry about it. It's gone. I'll call the insurance company. You cover for fire and theft, right? I'm guessing they don't get too many piracy claims on the Great Ocean Freeway, you know? Fuck. I hate paperwork. गाड़ी की तो बैंड बजी हुई है कुछ दिख भी इतना धुआं छूट रहा है कि कुछ दिख भी नहीं रहा। Not anymore. No, I don't. Before I mean, man. Not really. यार वो कस्टम पे जो लॉस सेंटोस कस्टम है वहाँ पे जाने का रास्ता भी बहुत लंबा दिख रहा है। Many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I'd come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. GTA 5 के कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे माइकल अभी बता रहा था कि बोट जब उसके पास थी तब वो बेसिकली बोटिंग वोटिंग करता नहीं था, सिर्फ वो बोट को एक प्याले में एक प्याला लेता था साथ में और सिर्फ देखता रहता था कि वो कितना अमीर बन गया है। मेरे कुछ ऐसे कजिन्स हैं, पता है एक कजिन तो ऐसे कि उसको नई साइकिल मिली थी तो उसने पूरा उसको कवर कर दिया था प्लास्टिक में और कभी खोला नहीं था। बहुत अच्छी खासी साइकिल थी। तो कुछ लोग होते हैं यार, पोजीशन उनको मिलता है तो उसको बस देखने में उनको मजा होता है, यूज करने में नहीं। जैसे कि पता नहीं ऑनलाइन पता है यूट्यूब वूट्यूब पे एक्शन फिगर कलेक्टर मिलेंगे आपको, ठीक है वो कुछ बक्से को कभी खोलेंगे नहीं, बक्से के साथ रखते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं एडल्ट हो जाते हैं फिर भी एक्शन फिगर्स कलेक्ट करते हैं। बड़े अगेन तो अपना अपना शौक है, जैसे हम लोग भी एडल्ट हो गए, हम लोग भी अभी PS4 पे GTA 5 खेल रहे हैं 2020 में। सो एनीवे गाइस, अगर भाई का वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना तो मुझे लाइक करके बताइए प्लीज़। चैनल को मुझे बताइए GTA 5 में और मुझे क्या करना चाहिए, आपके सुझाव बहुत मायने रखते हैं। और अपने चैनल को यू नो डीसेंट सा ग्रो करना है तो सब्सक्राइब करके बताइए प्लीज़ करो या मत करो, जाओ यार सब्सक्राइब कर दो, इतनी मेहनत कर रहे। बट डोंट वरी, मैं अभी बाय नहीं कर रहा आपको, गाड़ी को ठीक कर दे फिर मोटे को घर छोड़ दे और फिर एपिसोड को बंद कर दे। तो माइकल एक कैब लेके आराम से घर जाएगा और मुझे इस मोटे को लेके जाना है। फ्रैंकलिन के इस सब में फायदा ये है कि माइकल उसको पैसे दे रहा है काम करने की चीजों के। तो यह लॉस सेंटोस का कस्टम, यहाँ पे आप गाड़ी को जितना चाहे नई चीज़ें करवा सकते हो। ठीक है अंदर चल के देखते हैं। ओके रिपेयर द व्हीकल, फ्री में दिल रहे ठीक है कर देते एक बार। ऑलराइट गुड इज न्यू नाइस।
और बाकी चीज़ें करनी नहीं है, इसी सारी चीज़ों को बाद में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कैसे कस्टमाइजेशन इस गेम में अवेलेबल है। Are you trying to think of like the sickest ride that's even conceivable? एकदम नाइस और बहुत ही मस्त लग रही है अभी गाड़ी। ठीक है वापस घर चलते हैं, इस मोटे को छोड़ दें। Alright, man, I'm कोशिश करते हैं कि गाड़ी को एक स्क्रैच ना लगे अभी। It's Franklin, right? Yeah, Franklin. Okay, you can download the iFruit app to your personal smartphone or tablet to modify your car. What? And create customized license plates. Sure. Jimmy, ain't he? Okay. Jimmy. तो game के अंदर आपको एक phone दिया होता है, वहाँ पे कोई iFruit नाम का app download करके आप customize कर सकते हो चीजों को। What's the deal, man? इसको बाद में देखते हैं। You and my old man? I see you at the dealership, and someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job and I thought maybe he could... Aw, man! He can help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. God damn it. What are you doing? Vehicle chala You lunatic! I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just, like, chop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number. Shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. All right, guys, peace. So... मैंने पहले ही आपको बताया, अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक करके बताइए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। नाइस, 50% मैंने किया ये कंप्लीशन। पता है अच्छी बात क्या, जब चाहो आप मिशन वापस रिप्ले कर सकते हो अपने स्कोर बढ़ाने के लिए। सो दैट्स देयर। ओके, फ्रैंकलिन की जो गाड़ी है वो भी इम्पोर्ट हो चुकी है, उसको मुझे लेना है। अब जिमी मुझे मैसेज करने लग गया वापस, इसका जो बेटा है। गैराज प्रॉपर्टीज ऑन अवेलेबल टू परचेस। ओके ठीक है, बाय बाय।